अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्योट्रॉपिकल रीजन। वी हैव डिस्कस्ड फोर मेजर रीजन्स बिफोर अबाउट जू जियोग्राफी। आज के लेक्चर में हम जू जियोग्राफी का जो रीजन डिस्कस करेंगे इट इज न्योट्रॉपिकल रीजन। इसमें हम डिफरेंट फाना को डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं, इसके क्लाइमेट कैसी है और एंडेमिक स्पीशीज इसमें कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले दिस रीजन कंपोज्ड ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, न्यू वर्ल्ड अमेरिका जो है वो न्यू ट्रॉपिकल रीजन में है। इसके अलावा इसमें वेस्ट इंडीज, साउदर्न पार्ट ऑफ मेक्सिको और दूसरे रीजन के साथ इसकी जो सेपरेशन है, it is separated from other regions by sea, and this region is closely connected with Nearctic region by central isthmus. There are some physical features. mostly tropical region, ज़्यादातर ये tropical region है और इसके जो climatic condition है वो भी वैसी ही हैं जैसे कि एक tropical region की होती हैं, but southern region extend into south temperate zone. Extensive and luxuriant growth of forest is also present in this tropical portion of this region, but there is no desert present in tropical region. माउंटेन भी प्रेजेंट है साउथ अमेरिका में और जहाँ पे माउंटेन है वहाँ पे ट्रीलेस ग्रासी प्लेन्स प्रेजेंट हैं जैसे कि इंडस माउंटेन यहाँ पे साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है और वहाँ पे भी ट्रीलेस ग्रासी प्लांट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। देन क्लाइमेट, न्यू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर दोज फाउंड इन न्यू वर्ल्ड रेंजिंग फ्रॉम मेक्सिको टू बोलिविया एंड ब्राजील। न्यू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो रैपिड हो सके और इनका जो ग्रोइंग सीजन है इट इज़ अ लॉन्ग ग्रोइंग सीजन। नो ड्राई और कोल्ड पीरियड आर प्रेजेंट इन दिस रीजन, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हैं और इसीलिए जो ग्रोइंग सीजन है वो लॉन्ग होता है। न्यू ट्रॉपिकल रीजन की भी सब डिवीजन्स हैं, सब रीजन्स हैं, फोर मेजर सब रीजन्स हैं। चिली सब रीजन, ब्राज़ील सब रीजन, मैक्सिकन सब रीजन एंड वेस्ट इंडीज सब रीजन। वन बाय वन हम इन सब को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। चिली सब रीजन जो है इसमें वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इसमें इंडस माउंटेन रेंज फ्राम बोलिविया, पेरू एंड अर्जेंटीना प्रेजेंट है और इसमें थ्री टोड ऑस्ट्रिच प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको हम थ्री टोड ऑस्ट्रिच का जो कॉमन नेम है रिया अमेरिकाना इसको कहते हैं। कैलमस ऑयल बर्ड इसमें कॉमन है। तो थ्री टोड ऑस्ट्रिच, कैलमस और ऑयल बर्ड आर कॉमन इन चिली सब रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। देन ब्राजील सब रीजन, it include tropical forest of South America or it shows evergreen forest. Plains are also seen, rivers are present, hence more vegetation can be seen here. It support rich fauna, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में जो animals हैं वो present हैं। In this region American monkey, blood sucking bat जिसको हम vampire कहते हैं, armadillos जो हैं ये common है, ठीक है। देन मैक्सिकन सब रीजन नॉर्थ ऑफ एस्थमस ऑफ पनामा, इसको हम मैक्सिकन सब रीजन कहते हैं। पनामा का जो एस्थमस है उसको हम मैक्सिकन सब रीजन कहते हैं। इस रीजन में ज़्यादातर रॉकी माउंटेन्स हैं और ये सब ट्रॉपिकल कंडीशंस को शो करता है। इसमें थापिर, मड थेरापिन जो है ये कॉमन है। देन वेस्ट इंडीज एंड एंटीलियन सब रीजन, this region include West Indies, Ireland, Trinidad, Tobago are not included in this region. These islands contain mountain and in this region vertebrate fauna is very poor, ठीक है। अब अगर हम इसके फाना की बात करें तो इसमें बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो एंडेमिक हैं। 39 फैमिलीज इसमें रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगर हम पहले फिश की बात करें तो फ्रेश वाटर फिशेज आर प्रेजेंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज देयर इज नो कार्प इन दिस रीजन, ठीक है। बट इसमें कैटफिश, ट्रैगोनिड, एडी फिश जो है ये प्रेजेंट है, डिप्नॉय फिश भी इसमें प्रेजेंट है। और डिप्नॉय फिश एक लंग फिश है और वो लंग फिश जो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है उसको हम लेपिडोसाइरन फिश कहते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। देन एम्फीबियन फाना, इस रीजन में एम्फीबियन की 14 फैमिलीज हैं, जिसमें एक फैमिली पीपा पीपा की है, 2 हाइला की है, 3 बुफो की है, 4 राना की है। सिसेलियंस भी प्रेजेंट है, जिसमें साइफोनोफिस की एक फैमिली है, 2 राइनोट्रीमा की है, लेकिन इसमें यूरोडील्स जो है वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, यूरोडील्स मतलब जो टेल्ड एम्फीबियंस है जैसे स्लेमेंडर है, न्यूट है, तो ये जो है वो बहुत फ्यू होते हैं। देन रेप्टिलियन फाना, इसमें जो रेप्टाइल्स हैं वो इथोपियन और ओरिएंटल रीजन के साथ रिजेंबल करते हैं। कुछ रेप्टाइल्स इसमें कॉमन है, फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये दोनों कॉमन है। टर्टल्स और टर्टाइसिस जो है ये भी इस रीजन में कॉमन है। इसके अलावा 15 फैमिलीज हैं लिजर्ड की जो कि यहाँ पे प्रेजेंटेड हैं, जिसमें से 5 रिपोर्टेड हैं इस रीजन में। हीलोडर्मिडाए जो है ये पॉइजन लिजर्ड है जो कि इस रीजन में प्रेजेंट है। कैरकोसोरिडाए भी प्रेजेंट है। इस रीजन में बहुत सारे स्नेक की स्पीशीज हैं जैसे कि कोरल स्नेक, पिट वाइपर, टेफ्लॉप जो, और उसके अलावा बहुत सारे अदर स्नेक्स भी प्रेजेंट हैं इस रीजन में। बर्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज बर्ड कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है, न्यूट्रॉपिकल को। और जो ऑस्ट्रेलियन रीजन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर उसको बर्ड ऑफ पैराडाइज कहा जाता है, क्योंकि उसमें पैराडाइज बर्ड जो है वो मोस्ट कॉमन है, तो इसको बर्ड कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें बर्ड की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसमें रिया अमेरिकाना, एक 3-टोड ऑस्ट्रिच प्रेजेंट है जिसको अमेरिकन ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। इसमें फ्लाइटलेस बर्ड इंडेमिक है। इसके अलावा बहुत सारे कॉमन बर्ड्स हैं जैसे कि डक, पिजन, पैरट, स्विफ्ट, वुड पिकर, किंगफिशर, स्टार्क आर कॉमन, आंट, थ्रेशर, ट्री क्रीपर, ऑयल बर्ड जो है ये तीनों इसमें इंडेमिक है। ठीक है, दीज ऑल आर कॉमन बट आंट, थ्रेशर, tree creeper, oil bird are endemic in neotropical region। Then mammals, mammals की 32 families हैं और जिसमें 10 families are endemic to this region। Haplorrhini, Cebidae families जो है ये न्यू वर्ल्ड मोंकी की फैमिलीज हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें कॉमन है जैसे कि तापिर, डियर, स्क्यूरल, रैबिट, आर्मेडालोस जो है ये कॉमन है। और हाइना जो है, हेजहॉग और हॉर्सेस जो है ये यहाँ पे एब्सेंट है। डिफरेंट बायोजियोग्राफी न्यूट्रॉपिकल रीजन्स में यहाँ पे दिखाई गई है। देयर आर डिफरेंट फाना दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर अबाउट रेप्टाइल्स, बर्ड्स, अबाउट मैमल्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। और इसमें जो कॉमन है मतलब जो इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं साउथ अमेरिका के वो पनामा कैनाल एज यू कैन सी हियर, देन इंडस माउंटेन, ठीक है, जो कि एवरग्रीन है, ग्रासी एवरग्रीन। Then Amazon Basin, the most important feature is Amazon Basin is the world largest river of South America। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो नाइल रिवर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, बट इन साउथ अमेरिका अमेजोन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर and this is Amazon Basin is the second largest world largest river of the world। Then it is Patagonia desert is also present in South America in neotropical region। That's all about neotropical region। I hope आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Stay connected। अपना